संसार में भ्रष्टाचार। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के रहते मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में के सारे अब तक के जो रिकॉर्ड रहे हैं सबको तोड़ चुका है और भ्रष्टाचार के मामले में एक नई रिकॉर्ड कायम की है यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार। मैं कितने घोटालों की चर्चा करूं, कई बार आप लोगों के सामने चर्चा हो चुकी होगी कई वक्ताओं के द्वारा, इसलिए बहुत विस्तार में तो मैं नहीं जाना चाहता। पूंजी स्पेक्ट्रम का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, कोयला घोटाला, मैंने इस प्रकार के कई घोटाले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष बहन सुषमा जी ने, राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली ने यह मांग किया कि पूंजी स्पेक्ट्रम का यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए संसद के दोनों सदनों की। लेकिन बराबर यह सरकार नकारती रही और हम लोगों की बातों को अनसुनी करती रही। पूरा का पूरा मानसून सत्र ऐसे ही स्थगित होता रहा और इनकी जिद के आगे वह भेंट चढ़ गया। लेकिन अंत में इन्हें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करना पड़ा। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा यह जो आरोप हमारे ऊपर लगा है, हमको जिस भी कमेटी के सामने पेश होना होगा हम पेश होने को तैयार हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसी कमेटी के सामने पेश होने का वह साहस नहीं जुटा पाए। और इतना ही नहीं, यह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी उसमें कई संसद सदस्यों ने, जो उसके सदस्य थे, उन्होंने अपना डिसेंट नोट दिया। उन्होंने कहा इसमें कौन आरोपी है, लेकिन डिसेंट नोट को ही पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। यह एक निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। धन्यवाद।